First of all, thank you so much for inviting and giving this opportunity to share my views with you. Father Ambrose ke bare mein, I'll be speaking in Hindi and English both. I'm more comfortable in Hindi. So, Father Ambrose ke bare mein, abhi jo suna, aur dusre kuch doston ke madhyam se bhi suna, तो सबसे पहले यही कहूंगा कि एक तरह से इन अ वे बाय वे ऑफ शेयरिंग माय व्यूज विथ यू इन अ वे आई विल मेक एन अटेम्प्ट टू एक्सटेंड हिज लेगेसी एंड व्हाट इज स्टूड फॉर और इस कॉलेज के इंस्टीट्यूट के मंच पर उपस्थित मेरे साथियों ने प्रोफेसर्स ने स्टूडेंट्स ने जिन सभी ने साथ में मिलकर हमें यहां पर बुलाया इन सभी को मैं दोबारा धन्यवाद कहना चाहूंगा और आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम और इंकलाब जिंदाबाद साथियों जब भी मैं स्टूडेंट्स या यूथ के बीच में जाता हूं किसी कॉलेज के कैंपस पे जाऊं या चाय की दुकान पे जाऊं या किसी पॉलिटिकल मंच पर जाऊं तो मुझे शहीद आजम भगत सिंह का एक फेमस ऐसे है युवक उसकी कुछ लाइंस शेयर करने का बड़ा मन करता है हम सभी जानते हैं कि 23 साल की उम्र में सुखदेव राजगुरु और भगत सिंह वो फांसी चढ़ गए और इस देश की वर्किंग क्लास की मूवमेंट में इंपीरियलिज्म के खिलाफ और एक्सप्लोइटेशन के खिलाफ एक जबरदस्त क्रांतिकारी आंदोलन खड़ा किया तो कोई आदमी सिर्फ 23 साल की उम्र में फांसी के तख्ते पर लटक जाए और अनफॉर्चुनेटली ऐसे वक्त पे हम लोग जी रहे हैं जिसमें ऑलमोस्ट करीब करीब उनके नाम का जिक्र भी नहीं होता तो जो लोग इस वक्त पे इस देश को हमारे समाज को और खास करके इस देश के युवा वर्ग को एक तरह से बेवकूफ बनाने के लिए राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं और उनकी विचारधारा इस देश में समाज को हिंदू और मुसलमान में बांटने के लिए डेस्परेट है वो लोग जिनकी विचारधारा एक तरह से दाभोलकर जी पांडसरी जी कलबुर्गी और जो मुझे अपना बेटा मानती थी उस गौरी लंकेश की हत्या के पीछे कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है इन विचारधारा के लोग उस वक्त देश को हिंदू और मुसलमान में बांटने की बात कर रहे थे जब सुखदेव राजगुरु और भगत सिंह एक नए समाज के निर्माण की बात करते थे इस देश के किसानों और मजदूरों के लिए तो ऐसे हमारे साथी भगत सिंह इस युवक नाम के पीस में लिखते हैं कि युवावस्था मनुष्य जीवन का वसंत काल है उसे पाकर मनुष्य मतवाला हो जाता है हजारों बोतलों का नशा छाता है सारी शक्तियां सहस्त्र धारा होकर फूट पड़ती है युवावस्था में मनुष्य के लिए केवल दो ही विकल्प है वो चढ़ सकता है उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर वो गिर सकता है अधपात के अंधेरे खंडक पे चाहे तो त्यागी बन सकता है युवक
चाहे तो विलासी बन सकता है। हे भारतीय युवक, गफलत की नींद में पड़ा बेखबर तू क्या सो रहा है? देख, प्राची दिशा के ललाट का सिंदूर रंजित हो उठा। अब अधिक मत सो, सोना है तो अनंत निद्रा की गोद में जाकर सो। तो भगत सिंह को भी सबसे ज्यादा किसी से उम्मीद थी, सबसे ज्यादा किसी से अपेक्षा थी, वो था इस देश का युवा वर्ग। और यूथ ही हमारे समाज की एक ऐसी कम्युनिटी है जो सचमुच में कुछ बदलना चाहती है, जो बदलने के लिए हमेशा हर घड़ी हर वक्त रेडी रहती है, जिसमें क्रिएटिविटी होती है, जिसमें इनोवेशंस होते हैं, और जो सरकारों के सामने समाज में सामाजिक, राजकीय और आर्थिक बदलाव के लिए बलिदान देने को भी तैयार रखते हैं। तो आज आपके बीच में जब ये मैं बात कर रहा हूं, तो खुद के कुछ एक्सपीरियंस तो शेयर करूंगा ही, लेकिन सबसे पहले जितने भी यंगस्टर्स मेरे सामने हैं, जितने भी स्टूडेंट्स और जितने भी युवा मेरे सामने हैं, उन सभी से मैं ये अपील भी करूंगा कि ये लेक्चर सुनने के बाद आप ताली बजाए ना बजाए, लेकिन दो काम जरूर कीजिएगा। एक, भगत सिंह को जरूर पढ़िएगा, और दूसरा, हमेशा इस बात को याद रखिए, इस देश में जो भी चीज वस्तु का निर्माण होता है, ईच एंड एवरी कमोडिटी दैट इज प्रोड्यूस्ड इन दिस कंट्री ऑन दिस प्लेनेट इज नथिंग बट द आउटकम ऑफ ब्लड एंड स्वेट ऑफ अ वर्कर। तो हम लोग पूरे जीवन के दौरान इस वर्किंग क्लास के लिए क्या करते हैं, यह सवाल लेकर हमको यहां से जाना है। मेरा मानना है कि हमारे देश में इस वक्त जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, न्यूज चैनल्स की डिबेट्स की बात हो, हमारे जैसे नेताओं के भाषणों की बात हो, सेमिनार्स हो, कॉन्फ्रेंसिस हो, डिबेट्स हो, चाहे सब कुछ हो, उनमें से एक चीज गायब है, एंड दैट इज द मेंशनिंग ऑफ वर्किंग क्लास, एज इफ वर्किंग क्लास जैसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये जो परिस्थिति का निर्माण हुआ है, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। मेरा यहां आपके बीच में कुछ प्रोग्रेसिव बात रखना, फादर एम्ब्रोस का जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन है, आपका सुनना, भगत सिंह का बलिदान, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन, पेरियार और फुले की रिफॉर्म्स की मूवमेंट्स, इन सब के सेंटर में यदि कोई था और यदि कोई होना चाहिए, तो वह इस देश का वर्किंग क्लास। और यदि उम्र के इस पड़ाव में, इफ एट दिस स्टेज ऑफ अवर लाइफ बीइंग द यूथ, इफ वी कांट डू एनीथिंग अबाउट द वर्किंग क्लास ऑफ दिस कंट्री, तो सिर्फ इतना कहूंगा कि इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा। मैं सुबह शाम दो वक्त जो भी खाना खाता हूं, हाथ में जो घड़ी पहनता हूं, इस पोडियम पे हाथ रखता हूं, इस माइक को यूज कर रहा हूं, इस शेल्टर के नीचे खड़ा हूं, आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं, ये जो कैमरा लगा है, यहां पे जो माइक खड़ा था, ये जो टेबल लगा है, ये पानी की बोतल है, इन सारी की सारी चीजों के निर्माण में इस देश के गरीब मजदूरों का खून और पसीना है। और मेरा मानना है कि इससे बड़ी कोई फिलोसॉफी नहीं, सारी फिलोसॉफी इसी में आकर रुकती है। लेकिन जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं, हमारा पॉलिटिकल नैरेटिव, पॉलिटिकल डिस्कोर्स इतना बकवास हो गया है कि जैसे इस देश में मजदूर नाम का कोई प्राणी एग्जिस्ट ही नहीं करता,
इस प्रकार का एक बुर्जुआ एटमॉस्फेयर है। तो बार बार इस बात को आपके बीच में दोहराऊंगा कि हम जहां पर भी जाएं, जिस फील्ड में भी काम करें, जिस क्षेत्र में हम अपना करियर बनाएं, वहां पर जाकर हमें इस बात की चिंता करनी है, इस बात पर चिंतन करना है, विमर्श करना है, काम करना है, एजिटेशन करना है कि वर्किंग क्लास की कंडीशन क्या है। आपके बीच में मैं एक बात शेयर करना चाहूंगा, मैं आंदोलन में कैसे आया, मेनस्ट्रीम पॉलिटिक्स में कैसे आया या एमएलए कैसे बना, वो कोई दिलचस्प बात नहीं। वो तो ठीक है, एमएलए बहुत है इस देश में, एमपी एमएलए से कुछ नहीं होता। लेकिन मुंबई में आई वॉज डूइंग जर्नलिज्म फ्रॉम 2004 to 2008 विद अ गुजराती पीरियडिकल कॉल अभियान। एंड यू नो इनिशियली व्हेन यू गेट इनटू जर्नलिज्म यू वेरी रोमांटिक आइडियाज, कलम से यू विल चेंज द वर्ल्ड एंड दिस दैट, एंड देन इट कॉलेप्सिस। ऑफ कोर्स देयर कैन ऑलवेज बी द एक्सेप्शंस, बट इट डज फ्रस्ट्रेट यू टाइम्स। सो इट हैपन विद मी। सो आई वॉज इन सर्च ऑफ अ जॉब, इन सर्च ऑफ अ एक्सपोजर विच वुड गिव मी किक, जो काम करते हुए कुछ इंटेंसिटी और पैशन के साथ करने का एक एक्सपीरियंस खुद को फील हो, ऐसी कोई चीज की तलाश थी मुझे। एंड देयर आई हैपन टू वर्क विथ अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर कॉल राकेश शर्मा, हु इज मेड ब्रिलियंट फिल्म कॉल्ड फाइनल सॉल्यूशन। सो ही वॉज वर्किंग ऑन द पोस्ट प्रोडक्शन ऑफ टू फिल्म, वन इज फाइनल सॉल्यूशन रिविजिटेड एंड अनदर वॉज ऑन द फार्मर सुसाइड ऑफ गुजरात। नाउ दिस फिल्म वॉज बींग मेड एट अ टाइम वेन मोदी जी द ग्रेट जुमले वॉज क्लेमिंग दैट गुजरात इज बिकम वाइब्रंट, स्वर्णिम, प्रॉस्परस, नंबर वन, GDP इज बूमिंग, दिस दैट ऑल दिस नॉनसेंस। एंड दैट इज वेयर वी वर कमिंग टू नो अबाउट द फिनोमिना ऑफ फार्मर्स कमिटिंग सुसाइड इन द स्टेट ऑफ गुजरात। तो एब्सोल्युटली टू कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स वर कमिंग टू अवर नोटिस। सो ड्यूरिंग द एडिटिंग ऑफ दिस फिल्म कॉल खेड़ू मोराडे विच इज बेस्ड ऑन द फार्मर सुसाइड ऑफ गुजरात, देर आई गेट टू सी द इंटरव्यू ऑफ अ मैन कॉल्ड भरत सिंह झाला। ही इज द वन हु इज फाइल्ड द फर्स्ट PIL सीकिंग कॉम्पेंसेशन फॉर द फार्मर्स फैमिली हु कमिटेड सुसाइड, इज PIL इज पेंडिंग इन द एपेक्स कोर्ट। सो आई मेट हिम, आई वेंट टू गुजरात एंड मेट हिम, एंड ही टुक मी टू ऑफिस ऑफ अ सिविल राइट्स प्लेटफॉर्म कॉल्ड जन संघर्ष मंच। इट वॉज क्रिएटेड बाय डॉक्टर मुकुल सिन्हा, ही वॉज कम्युनिस्ट लीडर रनिंग दिस प्लेटफॉर्म कॉल्ड जन संघर्ष मंच। ही वॉज ओरिजिनली अ फिजिसिस्ट एंड हिज लाइफ इज वेरी इंटरेस्टिंग। सो आई आस्क्ड हिम, सर यू आर फिजिसिस्ट, यू आर डूइंग सम रिसर्च ऑन प्लाज्मा फिजिक्स एंड नाउ यू आर पार्टिसिपेटिंग इन द रैली ऑफ सैनिटेशन वर्कर्स, व्हाट इज दिस अबाउट? सो हिज स्टोरी इज वेरी वेरी इंस्पायरिंग। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू पे अटेंशन टू दिस। ही जॉइन PRL फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद एज अ साइंटिस्ट एंड ही वॉज डूइंग रिसर्च एज आई सेड ऑन द प्लाज्मा फिजिक्स। ही वॉज टोटली इन्वॉल्व इन टू दैट एंड ड्यूरिंग दिस tenure of those days, early 80s probably, there was a strike of the security guards of physical research laboratory. So the authorities of PRL, physical research laboratory, started obtaining the signatures from all the employees of the institute, be it scientists or pupils, whatever category. They started obtaining the signature on a piece of paper stating that they will not participate in the demonstration, in the protest, in the hartal of the sanitation workers, of these security guards. This paper goes to Dr. Mukul Sinha and he says, I am here to work as a scientist, as a physicist, not to participate into any trade union activity, but
It is my constitutionally guaranteed fundamental right. If I wish to become a part of a demonstration, I will, I can. Nobody can stop me, and obtaining such signature is in a way infringing my constitutionally guaranteed fundamental rights, and hence I will not sign this piece of paper. So then the authorities say, you be ready to face the music. He said, I am prepared. And he joins demonstrations and hartal of the security guard of PRL. Within few days, he is removed from the post as a scientist. He sacked. And then he decides ki ab plasma physics pe research nahi karunga, baki ka pura life is desh ke aise hazaron lakhon factory workers aur security guards ke hiton ke liye kaam karne mein guzarunga. And he became one of the most prominent human rights activist lawyers of our times. He was the one who would appear for the victims of riots and the victims of encounters in Gujarat. And so the point that I was trying to make is, he was a physicist basically. He joined PRL to become a great scientist and ended up becoming a great trade union activist. Because though he was brilliant in his respective field, in physics and all, he realized PRL का बिल्डिंग है उसका जो स्ट्रक्चर है वो भी किसी कंस्ट्रक्शन वर्कर का पसीना है. इफ दिस रियलाइजेशन डजंट कम टू यू एंड मी तो पॉलिटिकल साइंस या सोशल कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी को सुनने का कोई मतलब नहीं है. ये मैं कहने के लिए आया हूं आपके बीच में. दिस इज द पॉइंट दैट आई वांट टू मेक. और आज हम लोग देख रहे देश में जो माहौल है कि गाय के नाम पर जिस प्रकार से 28 लोगों को मार दिया, इंसानों की जानों की कोई कीमत नहीं हमारे देश में इस वक्त, और गाय के नाम पे 28 लोगों को मार दिया. घर वापसी की कैंपेन्स हुई, लव जिहाद की बात हुई. मुझे जब भी कोई लव जिहाद की बात पूछता है तब मैं कहता हूं कि लेट आरएसएस एंड संघ परिवार पीपल टॉक अबाउट लव जिहाद, वी विल टॉक अबाउट इंटरकास्ट मैरिजेस, इंटर रिलीजियस मैरिजेस, एंड वी विल से आई लव यू. माय लॉजिक इज वेरी सिंपल. साला जो आदमी प्यार नहीं करेगा वो क्रांति क्या करेगा. हाउ कैन एज अ सोसाइटी वी अंडरगो एनी काइंड ऑफ रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन, एनी रेवोल्यूशन, इफ यू डोंट हैव गट्स टू चूज द पार्टनर, राइट? सो आंबेडकर वो सो modern in his own context that in 30s he said, if you want to create a new society, then caste system has to go. If the caste system has to go, if the annihilation of a caste has to become a material reality, then intercaste marriages are vital. Or intercaste marriages aise to ho gaye nahi, the precondition of an intercaste marriage is what? Is falling in love. So guys, fall in love. Fall in love. Celebrate not just 14th April, Ambedkar Jayanti, but also celebrate 14th February, Valentine's Day. And this is not just to give a one liner two times now. I mean it. This anyway will get edited. They will not show tonight. The nation wants to know tonight.
सुनिएगा, यदि इन्होंने ये दिखाया ना तो ये नहीं कहेंगे कि जिग्नेश ने ये कहा था कि इंटरकास्ट मैरिजेस होने चाहिए। क्या कहेंगे कि जिग्नेश ने ये कहा कि इंटर रिलीजियस मैरिजेस होने चाहिए, ताकि आरएसएस के लोग खड़े हो जाए कि हिंदू बहनें मुस्लिमों के घर जाने की बात जिग्नेश कर रहा है, ये दिखाएंगे। इस पे भी ताली बजाओ एक बार। सही कहा, सही कहा ना, सही कहा। एक बार हम लोगों ने दिल्ली में एक युवा हुंकार रैली किया था, तो एक चैनल है, न्यूज चैनल, उसका नाम है बनाना रिपब्लिक। तो उसके स्टूडियो में एक भाई बैठते हैं, बहुत चिल्लाते हैं, तो हमने कहा कि आज रात को बनाना रिपब्लिक के शो में आएगा, द नेशन वॉन्ट्स टू नो टुनाइट। आखिर युवा हुंकार रैली के मंच पे उमर खालिद ने जिग्नेश मेवानी को पार्ले जी का पैकेट क्यों दिया? लेट अस डिबेट टुनाइट। मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार क्यों नहीं दिया? ये सवाल नहीं पूछेंगे। उमर खालिद ने जिग्नेश मेवानी को कुरकुरे का पैकेट क्यों दिया, वो डिबेट करेंगे। तो बेसिकली ये लोग क्या करना चाहते, शैला रसीद, उमर खालिद, कन्हैया कुमार, जेएनयू, टुकड़े टुकड़े गैंग, एंटी नेशनल्स, एंड हेंस वोट फॉर बीजेपी। इंटरेस्टिंगली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, द हॉरिबल गुजरात सीएम विजय रूपाणी ड्यूरिंग हिज इलेक्शन कैंपेन, वन ऑफ द कैंपेन डेज, ही सेड That meant Jignesh Mevani is contesting from the Vadgam seat of Gujarat. He studied in JNU. So the next day, English newspaper DNA did a story. Chief Secretary, State of Gujarat, James Singh has studied in JNU, not Jignesh Mevani. I was studying in SK Arts College from Ahmedabad. Lekin only to put me into that bracket of Kanhaiya's and Umar's and Shaila, they say that I was studying in JNU. As if studying in JNU is some criminal offense under IPC. So ye branding kyun kar rahe hai? विच हंटिंग करने से पहले आपको एक पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करना पड़ता है। पहले गाली दो, दूसरी बार गाली दो, तीसरी बार गाली दो, उसको बदनाम करो, नेशन वॉन्ट्स टू नो टुनाइट, उस पर डिबेट हो, फिर एक पॉलिटिकल नैरेटिव सेट किया जाए, और जब लगे कि उसकी, इस व्यक्ति की इनफ बदनामी हो चुकी है, उसके खिलाफ एक पब्लिक परसेप्शन बन चुका है, फिर उसको जिहादी बोल दो, नक्सलाइट बोल दो, ताकि पुलिस जब उसके खिलाफ ऑफेंस दर्ज करे तो लोग उसके लिए समर्थन में सड़कों पर उतरे नहीं। दिस इज देयर गेम प्लान, ताकि लोग इस सवाल को भूल जाए कि मोदी जी 100 स्मार्ट सिटीज खड़ा करने का जो प्रॉमिस दिया था उस पर चूना क्यों लगा दिया भाई? कितने स्मार्ट सिटीज खड़े किए? किए एक भी? देखा किसी ने स्मार्ट सिटीज? 100 स्मार्ट सिटीज खड़ा करने का प्रॉमिस दिया था, एक भी नहीं किया।
हर साल 2 करोड़ युवा को रोजगार का प्रॉमिस दिया था। बेसिकली क्या हुआ, अराउंड 2003-04 फेकू जी स्टार्टेड दिस वाइब्रेंट गुजरात कैंपेन। सो व्हेन चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल द स्टेट्स आर इनवाइटेड टू सम फॉरेन कंट्री एज ए डेलीगेट, सीएम विल गो विथ कपल ऑफ ब्यूरोक्रेट्स एंड ऑल। मोदी जी विल गो इन हिज प्राइवेट चॉपर। जनरली वुड टॉक अबाउट पुष्पक विमान, बट ही यूजेस अदानी जेट, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। सो इंस्टेड ऑफ पुष्पक विमान ही वुड गो टू फॉरेन कंट्रीज इन अदानी एंड अंबानी जेट विद अ ह्यूज डेलीगेशन इन ऑल एंड क्रिएट अ वेरी सी ऑफ सम कंपनी काइंड ऑफ इमेज, फर्दर थ्रोइंग द इमेज that is somebody who stands for GDP, growth, development, smart cities, malls, multiplex, tower, IT, these, that, all rubbish, nonsense. Vibrant Gujarat, Vibrant Gujarat, Vibrant Gujarat, chalu kiya for a decade. Along with that, his cadre started dividing society into Hindu and Muslim. So, that is how this man became the Prime Minister. So because of this never-ending Goebbelsian rhetoric of development coming from Modi ji, youth of Chandigarh, Chennai, Bangalore, Gandhinagar, Surat, Rajkot, Baroda, Ahmedabad, Mumbai, Delhi, Trivandrum started feeling that finally after decades we have a Prime Minister who is very strong, who is brave, who can teach the lesson to Pakistan, who can bring back Daud Ibrahim, who can lock JNU campus and create jobs. Nobody in Indian politics in last 6-7 decades has fooled the youth of this country the way Honorable Prime Minister Narendra Modi has done. Nobody has done it. Promised to give 2 crore jobs every year. By now, from his logic, he should have created at least 9 crore jobs. Am I right? 2 crore jobs every year, 4 and a half years have gone by, 9 crore jobs by now he should have created. Now, he was somebody who has been continuously claiming that he come up with a great model of development and governance in Gujarat. So we expect at least 60-70% implementation of the promises he has made. Should we, right? Shouldn't we? So, 60% implementation with regard to the promises he made for creating jobs would mean what? How many jobs? 60% of 9 crore jobs. Approximately 5 crore jobs. Forget about 60%, 70% implementations of his policies, of his promises. Even 10% of 9 crore jobs would mean what? 90 lakh jobs. 1% would mean what? 9 lakh jobs. His departments of employment have stated on record that his government has been able to produce less than 7 lakh jobs. Bolo Bharat Mata Ki Jai. Bolo Vande Mataram.
बोलो वाइब्रेंट गुजरात, 56 इंच का सीना, अच्छे दिन, एक्चुअली मोदी जी पे एक फिल्म बननी चाहिए, फूल इन इंडिया। Is that, you know, very objectively, not as a critic of Mr. Modi. Who is he? His days are over. He's mentally, you know, he's not accepting my suggestion, otherwise by now he should have settled down somewhere in Himalaya. But on a very objective note, somebody who is not able to create even 1% jobs of the promises he made, frankly speaking, from the bottom of my heart this is coming, has absolutely no right to be where he is as a prime minister. 10% implementation by state of the promises it made is absolutely disastrous, pathetic implementation. But he has not been able to create even 1% jobs. So this man has only two things to offer to 130 crore we the people of this country: A, communal hatred, and B, just rhetoric, rhetoric, and rhetoric. And that's it. बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। सिंपल एक सवाल, पोजिंग अ क्वेश्चन टू माई सेल्फ and that way placing it before you as well. Simple. Mananiya Pradhan Mantri Ji, aapne puri life mein kabhi bhi atmahatya karne wale ek bhi kisan parivar ki mulaqat li hai? The answer is big no. In fact, even before he started Ghar Vapsi, Gai Mata, Lau Jihad and all these campaigns, the most dangerous thing that he has done after becoming the Prime Minister is distorting the labor laws. You will be shocked to know Gujarat ki assembly ke andar, sare log yaad rakhiyega, is ek line mein aap sab kuch samajh jayenge. Gujarat ki assembly ke andar jo lift man hai, जो क्लास फोर के एम्प्लॉइज प्यून्स है और जो सैनिटेशन वर्कर्स है, इन तीनों में से किसी को भी गुजरात की असेंबली के अंदर भी मिनिमम वेज नहीं मिलता. शेम ऑन यू. अब ये मैं कहूंगा तो क्या कहेंगे, जिग्नेश मेवाणी गुजरात को बदनाम कर रहा है. असेंबली जहां पर सारे लॉ मेकर्स बैठते हैं इंक्लूडिंग मी, दे हैव टू अपहोल्ड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दे हैव टू कम अप विथ मोर एंड मोर प्रोग्रेसिव
legislations which are in tune with the spirit of Indian constitution, which says in the final analysis we have to become a secular socialist democracy. But they are willing even to ensure minimum wages to the government employees. One can imagine, you and me can imagine, what must be the condition of millions and millions of factory workers in the state of Gujarat and across the country. This is the real question. What Ambedkar would have done had he been alive today? What Bhagat Singh would have done with this man had he been alive today? Couple of years back he said that he is an Ambedkarite, he is an Ambedkar Bhakt. Then I reacted by saying, had Ambedkar been alive today with us, he would have been filing cases against you. So friends, before we venture into a bit of question answer session, and before I conclude, the only thing I want to say that as a nation, we the people of this country have seen everything. All the mainstream political parties have cheated with us. They have fooled each mainstream political party. But the difference between all these mainstream political parties and BJP is one, and that BJP is a political party which is fascist in nature and which has no faith in Indian constitution. This is the difference. And therefore, it's my appeal to youth across the spectrum, to all of you, to become absolutely rational in life. Gujarat CM Vijay Rupani once made a statement. There is equal in the arrows of missiles of ISRO. राम के बाण और इसरो के मिसाइल में इक्वल पावर है. कैन यू बिलीव दिस? चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट, अवर कॉन्स्टिट्यूशन सेज इट इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू क्रिएट एंड डेवलप साइंटिफिक टेम्पर अमंग्स द पीपल, अमंग्स द मासेस. And we have a prime minister who, instead of cherishing the legacy of Wright brothers, bloody talks about Puspak Viman. Don't we know? But what is the complexity of veins here in this part? As a mankind, it's been just 200 years we have developed proper आधुनिक चिकित्सा पद्धति, मॉडर्न मेडिकल साइंस, एंड इज टॉकिंग अबाउट देर वॉज अ टेक्नोलॉजी, हाथी की मुंडी और इंसान के बॉडी को जोड़ने की टेक्नोलॉजी थी. दिस इज कमिंग फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री. यस्टरडे ओनली आई वॉज टॉकिंग विद समबडी, टेलिंग में उनकी खुद की पॉलिटिकल पार्टी की नेता सुषमा स्वराज को लोग गंदे से गंदी गाली पब्लिकली ट्विटर पर दे रहे हैं, और मोदी जी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल उसको फॉलो कर रहा है, और इसको फॉलो कर रहा है, इस बात को एक्सपोज करती हुई मेनस्ट्रीम मीडिया स्टोरीज पब्लिश कर रही है,
फिर भी दिस मैन एंड हिज टीम इज नॉट अनफॉलोइंग देम. अच्छे दिन आए हो ना आए हो, एक बात बहुत साफ दिख रही है कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पिछले 4-4.5 साल के दौरान इस देश के कुछ फ्यूडल एलिमेंट्स ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो कल्चरल फील्ड खुद के एग्जिस्टेंस में एक्यूमुलेट किया है उसको वॉमिट करने का एक प्लेटफॉर्म मिल गया है इन लास्ट 4.5 ईयर्स. हियर इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका एन ऑफेंस इज रजिस्टर्ड अगेंस्ट मी. इनफैक्ट 3 FIRs हैव बीन फेसिंग फॉर मेकिंग सो कॉल्ड प्रोवोकेटिव स्पीचेस. रिमाइंड्स मी ऑफ This reminds me of an event where from a public platform where UP CM Yogi Adityanath was physically there aur uske stage ke upar se kisi aadmi ne kaha ki muslim behno ki dead bodies kabristan mein se nikal kar uske upar rape karna chahiye. To me, in my humble view, in the history of mankind, in no corner of this planet, from any public platform, any public political event, isse jyada filthy aur obnoxious content kisi ke muh se nahi nikla hai. So, साथियों, the way this casteist, communal and terribly fascist forces have taken over all the organs of the state, leading to a situation where the justice lawyer is killed, murdered in most mysterious circumstances, leading to a crisis where the apex court judges have to come out in open and publicly held a press conference say that destructions of democracy is at work, leading to a situation where Gauri Lankesh, Kalburgi, Dabholkar ji, Pansari ji are killed for being rational and scientific in approach and being critical of RSS ideology. They are killed. In this situation and scenario, it is the primary duty of you and me to do every bit to ensure that we become a secular socialist democracy, not this horrible Hindutvavadi Rashtra as it is proposed and propagated by RSS and Mr. Modi. And it is our primary duty as a youth of this country, we get ourselves rid of subcaste, caste and any such notion and emerge as a vibrant youth to come up with our own genuinely vibrant model of development which is absolutely pro poor, pro farmers, pro working class and pro Indian constitution. Only then we will be able to save our constitution, save ourselves. So I conclude on this note with a hope that I was not disappointing like the that we are part of. Thank you so much. Acha, ek baat main aapke saath share karna bhul gaya. Kabhi kabhi main bhi bhul jata hu, I am also an MLA. And I have a constituency now to positively experiment
So I'm like absolutely open for the youngsters to come and do any kind of pro-poor work in my constituency as a volunteer or in whatever respect. Believe me, if 50 youngsters from the... Hello? If 50 youngsters from across the country come to my constituency, spend 3 weeks, 4 weeks, and decide this is where Jignesh, your grant should be put in, I am ready to do it. हर साल मुझे मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में खर्च करने के लिए 1.5 करोड़ की ग्रांट मिलती है. यदि 50 लोग आकर एक महीना रुककर 50 गांव में घूमकर चक्कर लगाकर लोगों को मिलकर उनके सवाल जानकर मुझे यदि ये प्रपोज करे तो मैं आंख बंद करके साइन करने को तैयार हूं. आई कैन प्रोवाइड यू दैट प्लेटफॉर्म. And in my constituency, we have set up 2 silai machine. It was my election symbol, sewing machine. And 17 to 25, around 20 something women are learning how to produce sanitary pads. So, if you have any kind of skill or expertise and you want to explore and experiment, my constituency is always there for you. Thank you so much. Namaste sir, my name is Yashpal Singh Charad. I am from BSW, first year. So, your speech was very good. First time, you started with Bhagat Singh. It was a very, mashallah, very good speech. But I was a little confused because this is not... किसी पॉलिटिकल साइड लेने की बात नहीं है. वहाँ पे पॉलिटिक्स लिखा ना है कि बीजेपी और कांग्रेस. और आपने जेएनयू की बात की, जेएनयू में हमने ताला मरा दिया, वो मरा दिया. तो सर आप रात को अफजल गुरु के आप पोस्टर लेके जा रहे हो, भारत के फ्लैग को आग लगा रहे हो, जूते लगा रहे हो, तो अब हम क्या करें सर? उसको एंटी नेशनल ना बोले तो क्या करें? दूसरा चीज सर, आपने लव जिहाद के बारे में बोला सर, आरएसएस वो है, आरएसएस ये है, लव जा दिया है. सर मैंने सुना ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड भी बात करता है, वो भी उसके बारे में वो भी सपोर्ट नहीं करता है. तो मैंने कहीं ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड का नाम नहीं सुना सर, आप खाली आरएसएस के पीछे लगे थे. और तीसरी बात, हम सब ने मोदी के फ्लॉज के बारे में बात किया, उसके बारे में बात किया सर, ट्रिपल तलाक के बारे में बात करना भूल गए क्या आप सर? कितनी मुस्लिम बहनों को आराम मिला है सर? कितने बार फतवे जारी किए जाते थे ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड से कि भाई हमने तो आपको दूसरी मैरिज करनी, ये लो तलाक. ट्रिपल तलाक भी अच्छी चीज़ थी सर, आपको बोलना था. हाँ आपने बोला कुछ नहीं किया, वो नहीं किया, एम्प्लॉयमेंट नहीं है. मेक इन इंडिया के बारे में सुना ही होगा सर आपने, कितने प्लांट्स आ रहे हैं इंडिया में. अपना ये यूपी हो गया, झारखंड हो गया, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वहाँ पे इतने प्लान्स आ रहे हैं, इतनी नौकरी है, इतनी जॉब्स अवेलेबल है. सो आई गॉट इट एंड द लिस्ट कैन बी वेरी वेरी लॉन्ग ऑफ द थिंग्स विच आई डिड नॉट टॉक अबाउट. डजंट मीन ऑन दोज थिंग्स और इश्यूज आई डोंट हैव अ पोजिशन. एंड I primarily believe in rule of law and upholding the Indian constitution. So be it the nonsense coming from any radical Islamic group or RSS, absolutely it is not done. But BJP and RSS are the forces who have been shamelessly and openly saying, including this is coming from the MP of Karnataka, Mr. Hegde, that we are here to change the Indian constitution, meaning
They want to convey to you and me that we are here to distort the Indian constitution, which nobody is permitted to. That is the fundamental thing. And by creating that narrative of Umar Khalid's and Shaila Nasir's and JNU's and Tukde Tukde Gang and Rashtrodrohi, basically they want to create a political narrative where they create a fake enemy, which has always been the dimension and feature of fascism, so that you and me, we the people of this country, don't talk about the farmer suicides, exploitations of the working class, attacks on Dalits and minorities, and get lost and entangled into this rhetoric of Rashtravadi and all. This is their politics. This we need to understand. Just one more thing. After we complete these 4-5 questions, if there are students who want to come up with some interesting, creative, innovative proposal for my constituency, they can also proactively share it with me over the mic or even otherwise. Hello. You have mentioned in your speech that Modi has not come up with his whatever promises he has given. Now, what is the next option for us in the upcoming elections when Congress failed it to do in 70 years? So we all are in search of an option, which is actually the option of an alternative politics. But assume for the sake of argument that you and me coming with alternative politics takes a decade or 2 decades. In the meanwhile, what do I do? So there I have to be clear where not to go for. If we don't have this clarity that in the name of creating alternative, you know, we all strive for alternative politics. Here we have a force which claimed to give 2 crore jobs. All the mainstream political parties are saying that he did not create 2 crore jobs, but they don't have their agenda to create 2 crore jobs for themselves. They can't tell us how they will create 2 crore jobs. Ultimately, we all want 2 crore jobs. Modi ji claimed that he did not at all. But the political parties who are questioning him, they are also not coming up with the ideas by which jobs can be created. So we definitely all need jobs and parties and alternative politics by which jobs can be created. Undoubtedly. लेकिन उसमें यदि 10 साल लगे तो अभी मैं क्या करूं जब पूरा संविधान ही खतरे में है तो पहले मैं उनको निपटाऊंगा बाकी की बात बाद में करूंगा Hi, my name is Leon. I have been following you and I know you've been hugely popular. Yeah, I used to teach at Aloysius. You've been campaigning for land rights. So could you please tell us how the marginalized communities could access and actually acquire land and build their own houses and live more independently? So could you please shed some light on the procedures to acquire land and what are the provisions and land rights? So basically land reforms were introduced, launched as a program which is in tune with the idea of creating a society based on the principles of socialism. Socialism, the philosophy of socialism will not become a material reality if the distribution of land and material resources are not happening, not taking place, right? So to create a socialist democracy, during the first 5-year plan, we came up with the idea of land reforms policies. But the social structure of Indian society is based on caste. So upper caste, upper class hegemony, which has controlled all the organs of the state, have not allowed land reforms to be properly carried out. So in the state of Gujarat, if you take the case of Gujarat, thousands and thousands of acres of lands have been allotted to Dalits, but only on paper. Possession remains with the feudal forces. So the moment a Dalit who is allotted land on paper
in whose favor land allotment order is passed, goes on the land spot to start the cultivation, he has to face swords. And that is where the authorities have to come into play and ensure that possession goes to the actual allottee Dalits. But the state operates with feudal mentality, and therefore the land reforms are not carried out. And land, see, if you take the 100 cases of atrocities on Dalits, we will get to know that 95% or even more Dalits belonging to working class background are inflicted such violence, not the middle class Dalits. Middle class Dalits face some sort of discrimination, right? I am an MLA now, but despite of being an MLA, there is more than a chance that in some of the colonies of Bangalore, I may not be allowed a house, or even in Ahmedabad or in Delhi or Mumbai, because I belong to a particular caste. So this discrimination I may face as a Dalit, though my class position has changed, though I become middle class or upper middle class. But most of the violence that Dalits face, the Dalits who are subjected to brutalities, are mostly working class Dalits. So it is not just caste violence, it is always caste class combination that comes into play. So from that point of view, to dismantle this casteist feudal structure of Indian soil, land reforms are very vital. So during the time of Una, I come up with that slogan, Gai ki puch tum rakho, hame hamari jameen do. You keep cow's tail, give us our land. And since then, we have been relentlessly working for the implementation of land reforms, and I am very happy to share it with you that by now we have been able to ensure around 3,000 acres of land that were allotted to Dalits 3 decades back. Possession was not given. Now the possession is with us. When you said the workers of this country are the real people who really built this country, I really completely in agreement with that. But it's the time for all of us to think how we, all of us work together in order to facilitate such processes where the working class of this country would capture the power in real terms. What's your vision regarding this? Thank you so much. So first of all, you know, for the betterment of working class, we should not sympathize with them. Because the moment we sympathize with them, we feel ke bichare gareeb log, keeping ourselves away from the reality that they are not gareeb log, they are actually owners of this country, of this world. So this realization should be, you know, it should be in each and every atom and particle of our existence. That everything is the outcome of labor. Nothing is produced without human labor. And this realization should be proposed and propagated all over the country, all over the world, as a philosophy, as an ideology, as ideas, so that we constantly remain conscious that whatever we do, whatever in whatever field we go, in whatever walks of life we make career, working class has to be given the priority. If this becomes the mindset, then there can be like great changes. And you know, this is not going to happen even after changing of minds, right? Workers will have to come on the streets and struggle for their constitutional rights. Without that, it's not going to happen. Sir, on one hand, you spoke about elimination of the caste and subcaste and all of that. And on the other hand, our country lays so much emphasis on reservation in private and government sectors. So what is your opinion on that? I don't have a clarity on the, as far as the subject reservations in private sector is concerned. So I would not make much comments about it. And secondly, off late, if we see the Dalit movement, in particular in the last 15, 20, 25 years, somehow we are, you know, kind of entangled into this politics of reservations. So though reservations has benefited and helped create a middle class amongst Dalits, it is not the only thing that bothers you and me. There are so many Dalit groups and Dalit NGOs and Dalit platforms talking about reservations. I have taken a position that I talk more about the working class Dalits. And one thing is also very clear, that the foundation of reservations is caste. So
If caste is to go, then sooner or later reservations will also have to go. But इस मामले में एक लाइन जरूर कहूंगा कि पहले जाति व्यवस्था आई तो पहले जाति व्यवस्था जाए बाद में रिजर्वेशंस की बारी. You have put a new fire to the millions of people's minds. That does not do. Now, I have one suggestion. I would like to come and spend 1 month in your constituency after January. After January, before the national election, okay, 1 month. I know that was a small question. There are three powerful thoughts ruling India. Can we make together three powerful thoughts? Number one, the great person who created a constitution for free India, his thought. Number two, the person who said truth and non-violence should prevail, and we got freedom in India with that basis. Number three, the one single human being in the world who said, workers of the world unite, you have nothing to lose but your right. Can we make an amalgamation of three thoughts together, make a new India? Since all the ideologies and ideas and principles and philosophies are in a way outcome of the material realities and practice, and if at all I am to be judged, I should be judged on the basis of not what I speak, but mostly from the basis of my practice. So what you said clearly meant is to bring Gandhi, Marx and Ambedkar together. Now, how do we put it in practice? So Gandhi said, Antyodai se Sarvodai. राइट यानी जो सबसे आखिरी जो आदमी है या औरत है उससे आपकी काम की शुरुआत हो. अंबेडकर स्टूड फॉर द एनाइलेशन ऑफ कास्ट एंड क्रिएटिंग अ प्रो पुअर वर्ल्ड. द सेम गोज फॉर मार्क्स, गोज विदाउट सेइंग. तो तीनों को एक साथ यदि प्रैक्टिस में लाना है तो इस देश के गरीबों में भी हम लोग प्रायोरिटी दें दलितों को, दलितों में भी प्रायोरिटी दे जो वाल्मीकि गटर में उतरते हो उनको, और उसमें भी प्रायोरिटी दे वाल्मीकि समाज की सैनिटेशन विडो महिला को, और उसमें भी हम लोग प्रायोरिटी दे लेस्बियन विडो वाल्मीकि सैनिटेशन वर्कर्स को, और उसमें भी हम प्रायोरिटीज दे एड्स का शिकार बनी विडो वाल्मीकि सैनिटेशन दलित महिला को. तो तीनों एक साथ आ सकते हैं. Thank you, sir, for answering the questions. Thank you, dear audience. And thank you, Mangalore Vijay, sir, for moderating the event. Dear Father Ambrose, if you're watching from above, we hope you have made us, we have made you proud. This is our small step towards your greater vision for our institution, youth and society at large. With gratefulness, fear disappears and abundance appears. Anthony Robinson. I now request Ms. Rosemary from the Department of Social Work to propose the vote of thanks.